हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, खुश आमदीद। हिंदी में कैसे कहते हैं खुश आमदीद? धन्यवाद? नो, धन्यवाद। आशीर्वाद? नो, आशीर्वाद इज आशीर्वाद। मुझे पता है, मैंने सुना है इंडियन मूवीज में। पधारिए? नहीं, अरे अरे, शुभ शुभ। क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है क्या है। अरे आइए आइए, खुश आमदीद तोड़ दूँ। आई डोंट नो गाइस, हाउ डू यू से वेलकम इन इन हिंदी? मुझे पता है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो आई डोंट थिंक मुझे याद आएगा। अगर इस वीडियो में याद नहीं आया तो प्लीज लिव इन द कॉमेंट्स। या सो टुडे वी आर बैक एंड वी आर गोना वॉच अ बीबी की वाइन वीडियो। क्यों? क्योंकि बीबी की वाइन मैंने एक वीडियो देखी नहीं है, एक अरसा हो गया। आई थिंक लास्ट वीडियो दैट आई वॉच्ड वाज ऑन द रिएक्शन चैनल। सो उसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी है। और अभी जब मैंने जाके वीडियो सिलेक्ट की है और उसको अभी पॉज किया हुआ है, मुझे जेन्युइनली एक वो आई कि यार, एक बच्चोदी सी फील हुई कि यस, बीबी की वीडियो देख रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैंने पहले भी कहा था, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बीबी की वाइन का। आई लव हिज स्टफ, हिज कॉमेडी इज गुड, ही इज फनी श्योर, लेकिन मैं कोई डाई हार्ट फैन नहीं हूँ कि मैं बीबी की वाइन रोज देखता हूँ बैठ के। लेकिन अभी मुझे एक ऐसी एक खुशी महसूस हुई है ये वीडियो ऑन करने से पहले कि मैं बयान नहीं कर सकता उसको लफ्जों में। सो लेट्स गो एंड चेक आउट बीबी की वाइन। माँ की चू मेरे बेटे। जब हम 7 साल के थे तब उसने मुझे ये रोज डे पे दिया था। तू रोज विफ को पानी देता है? प्लास्टिक का है ये, मैं कैसे रख लूं? जब हम 5th क्लास में थे तब उसने मुझे अपना हैप्पी मील टॉय दिया था, ये मैं कैसे रख लूं? ये वो अपना तकिया यहाँ पे छोड़ गया, ये मैं कैसे रख लूं? ये उसकी टी शर्ट यहाँ पड़ी हुई थी, धो दिए, ये मैं कैसे रख लूं? ये उसका माउस, ये मैं कैसे रख लूं? ये उसके चश्मे का कवर, ये मैं कैसे रख लूं? ये उसकी सारी पॉर्न मूवीज का HD कलेक्शन। ये तू क्या कर रहा है? तुम दोनों ने इतने साल की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया। दोस्ती में जब बातें छुपाने की नौबत आ जाए तब समझ जाना चाहिए कि दूरी बढ़ाने का टाइम आ गया। पर तुम दोनों तो जय वीरू की तरह हो, एंड में जय मर जाता है। फक्ती माना गंगाधर, दोनों एक ही है, नटू काका और बाघा। अबे चुप यार, अब कोई बात नहीं होगी उसकी इस घर में। तो बाहर हल, इन जनरल कोई बात नहीं होगी। पर क्यों? बेंचो और मेरा रिश्ता खत्म। माँ की चू मेरे बेटे, रिश्ते अगर इतनी आसानी से खत्म होते तो एकता कपूर के सीरियल 12-12 साल तक नहीं चलते। माँ की चू। अंकल आप यहाँ कैसे? क्यों, यहाँ पे सिर्फ फुकरे आ सकते हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब बहुत टाइम के बाद आप आए हो। पानी लोगे? नहीं बेटे, आज मैं नीट पीऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं पता अंकल माँ की चू कौन है। मैंने अंकल माँ की चू वाली कोई वीडियो नहीं देखी पहले, एंड पहली बार देख रहा हूँ। और मैं ओके विद सेइंग माँ की चू। वाह, दैट्स गुड। हेलो, एक काम करो, रशिया की टीम पे $250 मिलियन लगा दो। अरे मेरी प्यूटिन से बात हो गई है, लड़के पहले बहुत डिफेंसिव खेलेंगे फिर स्पेन को पेनल्टी में धनवर्ती का दर्शन कराएंगे। माँ की चू, मोफा जी आप फट्टा खेलते हो बेचे टाइम पास के लिए कभी कभी? फाइनल कौन जीतेगा? चेन्नई सुपर किंग्स। आप यहाँ किसी काम से आए हो? बैन हो तो दुबई हला गया। अगर वो दुबई में होता तो मैं यहाँ क्यों आता रेस्त्री देखने? मतलब वो दुबई नहीं गया है। फोन आया था उसका। हेलो पापा। वाह की चू मेरे बेचे, तूने बहुत सही टाइम पे कॉल किया है और लीजा भी यहीं पे है। अरे वो सब छोड़ बेचे, मैंने तेरी फ्लाइट की टिकट। यस आई नो हु अमांडा सर्नी इज, क्योंकि मैं वाइन का बहुत बड़ा फैन था, मैं वाइन यूज करता था, और क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। किसका राजी है? तू मेरे पास आ जा जल्दी से जल्दी। पापा मैं दुबई नहीं आ पाऊंगा। हाँ क्यों? I don't feel like coming. But your dad loves you. Oh shit. अरे वो कोई और बात कर रहा है, तुम कुछ और बात कर रही हो, खामा खा ठरक जगा रही हो। माँ की चू बेटा, तू जल्दी आ जा बेटा। पापा जख्म बहुत गहरे हैं। बेटा संजीवनी जड़ी बूटी और लीजा की बड़ी बूटी ने बहुतों का इलाज किया है, तू टेंशन मत ले, इधर आ जा। पापा मैं नहीं आ पाऊंगा भाई। अरे अरे कहाँ गया? वहाँ की चू, अब मुझे ही इंडिया जाना पड़ेगा यार। मुझे जितना मजा सबटाइटल्स के साथ आ रहा था। I want to go to India too. क्यों? उसको तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना था, लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए था, महंगे महंगे क्लब जाना था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन उसकी बातें सुन के लगा कि उसको ये सब नहीं चाहिए। उसकी आंखों में दुख था बेटे, ऐसा दुख जो मेरी आंखों में तब होता है जब मुझे सुबह गांजा नहीं मिलता। कोई फूकता है क्या तुम में से? नहीं अंकल। शाबाश मेरे बेटे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे दिमाग स्लो होता है। उस दिन मैं लीजा को अपने गैंग मेंबर की मैयत पे ले गया तो वहाँ जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम अंदाज अपना अपना देख रहे थे, उसको सारे जोक आधे घंटे बाद समझ आए। माँ की छू। अंकल इसीलिए हम ड्रग्स नहीं करते। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले, लेकिन कल उसको उदास देख के मुझे लगा कि ये तो
केले की रेडी लगाएगा माकी चू बुरोरा साहब। उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि इसको तो म्यूजिकली पे होना चाहिए। उसके और लीजा में बहुत बहस हो गई, फिर वो रोने लगा, फिर लीजा को झुकना पड़ा। लीजा ने हार मान ली? ना, लिटरली झुकना पड़ा, तब जाके वो चुप हुआ। बहुत जिद्दी है मेरा लड़का, एक दिन बचपन में जिद करने लगा कि पापा मुझे डेड बॉडी के साथ खेलना है। हाँ, फिर मेरे बड़े भाई ने उसको डांट कर चुप करा दिया। और नहीं तो फिर भी मैंने उसको खेलने दिया। किसकी डेड बॉडी के साथ? मेरे बड़े भाई की। मेरे बच्चे को कोई डांटने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो हुआ है मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। पर आप उसको दुबई क्यों बुलाना चाहते थे? दुबई में वो ऐश करता, दिरम कमाता दिरम। क्यों, यहाँ रह के भी तो रुपए कमा सकता था ना। रुपया गिर के 69 हो गया है मेरे बेचे। पहली बार ऐसा हुआ है 69 में सिर्फ एक पार्टी को ऑर्गेज्म आया है। हेलो लीजा, क्या पैसे नहीं दे रहा वो? एक काम करो, उसका पिछवाड़ा तोड़ के पजल बना दो, सारी रात जोड़ता बैठेगा। मतलब बहन हो दुबई गया ही नहीं। उसने मुझे बताया कि तुम में से किसी ने मुझे गुंडा बोला। अरे समीर, चेक कर लो यार, क्यों बोला तुमने ऐसा? मेरे पास थी ये पिस्टल। मैंने नहीं बोला बेटे, एक बात याद रखना, पीठ पीछे बुराई बिग बॉस वाले करते हैं। मुझे कुछ भी बोल लो, अपने दोस्त की दोस्ती पर शक मत करना। दोस्त पात की तरह होते हैं, एक बार निकल गए फिर लौट कर नहीं आते। तुम दोनों की दोस्ती की मिसाल मैं पूरे अंडरवर्ल्ड में देता हूँ कि दिमाग भले ही खाली क्यों ना हो, दिल मोहब्बत से भरा होना चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई तो सब में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता ही खत्म कर दो। मैंने उसको इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफर किया, प्राइवेट जेट टू ट्रैवल, लैम्बोर्गिनी ऑन रोड, हॉट चिक्स, बीट अफगानी और ईरानी, बिना इलायची की बिरयानी। कहता नहीं पापा, मुझे यही रहना है गरीबों के साथ, चट्टी में छेद और नुनू पे हाथ। मेरा भाई आ गया, वापस आ गया। पता नहीं कैसे गलत समझ लिया उसको, बुरा भला भी बोल दिया। कोई बात नहीं, एजुब कर चुकी है, प्यार से समझाना चाहिए था, चिल्ला दिया उसपे। ओह, फुल इंडियन मूवी सीन क्या हुआ भाई इसने? आज बता उसको बर्थडे है, उसने कभी मेरे बिना नहीं मनाया। लास्ट ईयर मनाया था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था होटल रूम में। मैं चुप पापा के सामने क्यों बोल दिया यार? भाई बेटे, तुम मेरी सच्ची औलाद है, अभी टिंडर के मालिक से बात करता हूँ, वो तुझे स्पेशल फीचर देगा, जो लड़की तुझे रिजेक्ट करेगी वो अपने आप लाइक हो जाएगा। मौफा जी, ईवीएम थोड़ी है, ये किया तो वो हो जाएगा। सॉरी भाई, रूडली बात करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दे। तूने भी तो मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोला था, तू भी सॉरी बोल। तो तूने भी तो पापा को गुंडा बोला था। अच्छा तो वो तू था? खाली है बेटे। रिएक्शन चार्ट्स भी नहीं है इसने। बहुत आला यार ब्रो। आई पता है, मैं भूल गया था कि भुवन कितना टैलेंटेड आदमी है यार, और मतलब देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग दैट, ये गवाह है दुनिया पूरी इस बात की कि कितना एक्सट्रीमली टैलेंटेड और फनी आदमी है यार। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मूवी टिकट एंड गोइंग टू वॉच अ मूवी, यू कैन जस्ट सिट एट होम, वेक अप इन द मॉर्निंग, अपने ही बिस्तर पे लेटे लेटे आप बीबी की वाइन देखें, मजा नहीं लाइफ। और क्या चाहिए आपको? लाइक इट डजंट कॉस्ट यू एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर द मनी यू पे फॉर द इंटरनेट, लेकिन एंड इट्स क्लास ए एंटरटेनमेंट एंड हिज कॉन्टेंट इज इम्प्रूविंग। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है, कॉन्टेंट इम्प्रूव हो गया है, he's getting new people and you know it's it looks really nice. Love the fact that Amanda Cerny was collabing with him. That's pretty tight, that's pretty on. If you guys don't know who Amanda Cerny is, she's really famous for her vines, funny vines. That's yeah. And love to see her with in BBQ Wines videos. Bahut ala, this is something I want to watch more, and I hope this keeps happening more and more. He gets new people, more funny people from Wine or from, you know, anywhere, just more funny people. So yeah, thank you for requesting this, Bangalore meri jaan. I hope you enjoyed watching this. I really enjoyed watching this video. itne saalon baad to nahi, khair itne arse baad maine bibi ki video dekhi aur maza aa gaya yaar, matlab. And I want to watch more, lekin I also want to save the, you know, the beauty of bibi ki comedy, kyunki ye cheez aisi hai ki agar aap roz dekhoge na to aap phir bore hone lag jaoge, so it's not good for you to watch it every day. But I guess bibi never lets you get bored. Bibi ka scene on hai, ladka creative creativity ki ek level pe. So yeah, thank you for requesting this. I hope you guys enjoyed watching it. Please make sure you like and subscribe. Let me know which video you guys want me to react to next. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shab khair.